हिजाब विवाद के चलते विजयपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदू छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए माथे पर से बिंदी, टीका और कुमकुम हटाने को कहा गया, जिसको लेकर कुछ छात्राओं ने प्रिंसिपल के साथ बहस की और सवाल किया कि आप हमें हमारी संस्कृति से कैसे वंचित कर सकते हैं। दरअसल एक मुस्लिम छात्र ने हिजाब विवाद को लेकर यह सवाल किया था कि हिंदू छात्र माथे पर कुमकुम लगा कर नहीं आते हैं क्या, जिसके बाद यह मामला पेश आया। पीईएस कॉलेज मंडिया में हिजाब पहनकर आई छात्राओं के साथ पुलिस का बुरा बर्ताव। दरअसल छात्राएं कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना चाहती थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। छात्राओं को धमका कर वहां से जाने के लिए कहा गया और प्रिंसिपल से बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। पुलिस के इस बर्ताव से छात्राएं नाखुश नजर आईं। पुलिस द्वारा किए गए इस बर्ताव को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है और ये कहा जा रहा है कि जब शिक्षा मंत्री ने खुद डिग्री कॉलेज के लिए कोई वर्दी ना होने की बात कही है तो पुलिस द्वारा ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? क्या इसी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हुकूमत की तरफ से दिया गया था? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ